गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि रजिस्ट्रेशन भी आज करने के लिए निकल गया है और एग्ज़ाम फॉर्म्स भी आ चुके हैं। ऐसे में लोग बहुत लोग पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म किसको किसको फिल करने और किसको किसको नहीं फिल करने। सो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। सो रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट, अभी इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर है, तो आप जल्दी जल्दी से अपने रजिस्ट्रेशन करवा लो, मतलब रजिस्ट्रेशन करवा लो एंड देन कि रजिस्ट्रेशन जो है हमारा फर्दर एक्सटेंड भी होगा, ठीक है। एंड एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में जाने की, एग्जामिनेशन फॉर्म किसके किसको फिल करने या नहीं करने, वो मैं बता दूँ कि जिस स्टूडेंट के प्रमोशन हुए हैं, यानी एग्जामिशन हुए हैं, प्रमोशन तो नहीं कह सकते उसको, एग्जामिशन कह सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम देने हैं हमें, तो उस स्टूडेंट को एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं करना। अगर वो स्टूडेंट जो प्रमोशन नहीं लेना चाहता है वो एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ बाकी जितने भी प्रोग्राम के हैं जिनसे प्रमोशन नहीं मिला है, उन्हें एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है और उन्हें एग्ज़ाम देने हैं, जो जनवरी में अभी तक टेंटेटिव डेट शीट में लिखा हुआ है कि 20 जनवरी से एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम फॉर्म उन्हें ही फिल करने हैं जिन्हें टेंटेटिव डेट शीट पे एग्ज़ाम देने हैं। जिनके प्रमोशन हुए हैं वो प्रमोशन एक्सेप्ट करते हैं तो एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिल करेंगे, अदरवाइज़ अगर जो प्रमोशन नहीं चाहते हैं वो अपने एग्ज़ाम्स को, एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसकी लास्ट डेट अभी दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ लास्ट डेट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 15 दिसंबर तक आप अपने एग्ज़ाम्स को फिल कर सकते हैं। मैं कहूँगी कि थोड़े 2-3 दिन के बाद आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना शुरू कर दो, क्योंकि आप अगर अपने सेंटर्स को चूज़ करना चाहते हैं जो कि आप चाहते हो मेरे को उसी में चाहिए, तो मतलब वो हो सकता है कि वो भर जाए, ठीक है। तो आप चाहो तो आप अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है, तो आप फिल कर लो। एंड रजिस्ट्रेशन्स भी है, उनको भी आप कर लोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन डेट जो है हमारा एक्सटेंड होगा, ठीक है। और इसको कैसे चेक करा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट सक्सेस हुआ भी है या नहीं, ठीक है। एंड रजिस्ट्रेशन्स करने के बाद भी आप चेक कर सकते हैं एक बार रजिस्ट्रेशन सक्सेस हुआ या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए भी वीडियो आएगी, पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।